Assalamualaikum। तो आज मैं आपके चैनल आईटी टॉक पे एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो जो रिसेंटली एंड्रॉयड लॉन्च हुआ है एंड्रॉयड 10, कुछ पिक्सल्स और वन प्लस डिवाइसेस में उनके कुछ अमेजिंग फीचर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, जल्दी से एंड्रॉयड 10 के फीचर्स के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो फीचर डिस्कस करना चाहूँगा वो है नेविगेशन जेस्चर्स के बारे में। यहाँ पर एंड्रॉयड 10 में गूगल ने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं उनके नेविगेशन जेस्चर्स को, जो एंड्रॉयड 9 में उन लोगों ने इंक्लूड किए थे, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन थे लोगों के लिए कि वो कैसे वो यूज़ करें वो जेस्चर्स को। लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने काफ़ी iOS से इंस्पायर्ड होकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है और काफ़ी आसान बना दिया है उन नेविगेशन जेस्चर्स को यूज़ करना। तो यहाँ पे मैं वीडियो में आपको कुछ नेविगेशन जेस्चर्स बता देता हूँ कि क्या क्या अच्छे नेविगेशन जेस्चर्स उन लोगों ने इम्प्रूव किए हैं। जैसे कि अगर आपको रीसेंट ऐप्स में जाना है तो आपको नीचे से स्वाइप अप करना है और कुछ देर होल्ड कर देना है तो आप रीसेंट ऐप्स में चले जाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट करना है अपना, तो यहाँ पे आपको बॉटम से डायगनली स्वाइप अप करके थोड़ी देर रुकना है तो आपको गूगल असिस्टेंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे पीछे जाना है, मतलब बैक जाना है, तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, आपके राइट या लेफ्ट एज से स्वाइप करके आसानी के साथ पीछे जा सकते हैं। लेकिन बस यहाँ पे एक यहाँ पे कंडीशन है उनके नेविगेशन जेस्चर्स की कि यहाँ पे आप सिर्फ स्टॉक लॉन्चर के साथ ये यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नोवा लॉन्चर या कुछ ऐसे कोई लॉन्चर अगर अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो ये जेस्चर्स आपके मोबाइल में काम नहीं करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एंड्रॉयड 10 के दूसरे अमेजिंग फीचर के बारे में। यहाँ पे आपको ग्रैनुलर कंट्रोल एक्सेस मिल जाता है लोकेशन पे। मतलब इसका क्या है, जैसे कि स्नैपचैट और फेसबुक तरह की ऐप्स है जो कि हमेशा आपकी लोकेशन को एक्सेस करती है बैकग्राउंड में भी। मतलब आप किसी भी जगह जाते हैं तो ये ऐप को परमिशन है कि आपकी लोकेशन वो किसी भी वक्त एक्सेस कर सकता है। लेकिन एंड्रॉयड 10 में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि जब आप ऐप को यूज़ कर रहे हो तभी सिर्फ वो ऐप आपकी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है, बैकग्राउंड में वो एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक फीचर मिल जाता है, आप ये भी सेटिंग सेट कर सकते हैं, या तो आप ये भी सेटिंग कर सकते हैं कि वो बैकग्राउंड में भी लोकेशन एक्सेस करे, या तो आप डिनाई भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा सिक्योरिटी के लिहाज से ये फीचर एंड्रॉयड 10 में दिया हुआ है। तो चलिए तो यहाँ पे आप बात करते हैं तीसरे अमेजिंग फीचर के बारे में एंड्रॉयड 10 का, जो जिसकी रिक्वेस्ट हम सालों से गूगल से कर रहे थे कि हमें एंड्रॉयड में नेटिव बिल्ट इन डार्क मोड दे दो। तो अब बिल्ट इन डार्क मोड यहाँ पे एंड्रॉयड ने आपको दे दिया है। एंड्रॉयड 10 में आप आसानी के साथ सेटिंग्स से डार्क मोड ऑन कर सकते हैं और अपने यूजिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी बेटर बना सकते हैं। वो और भी बहुत फ़ायदे हैं डार्क मोड के, जैसे कि आपकी बैटरी लाइफ को भी इम्प्रूव करता है और आपकी आंखों पे भी ज़्यादा स्ट्रेन नहीं डालता। और यहाँ पे खास बात यह है कि जो जो एप्लीकेशन डार्क मोड को सपोर्ट करती है वो भी यहाँ पे डार्क मोड पे चलने लगेगी एंड्रॉयड 10 में। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है एंड्रॉयड 10 के यूज़र्स के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं अगले अमेजिंग फीचर के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही अच्छा फीचर दिया हुआ है एंड्रॉयड 10 में। कि यहाँ पे आपको पता है कि गूगल हर महीने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स देता रहता है, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि कब आपके जो फ़ोन की कंपनी है वो एंड्रॉयड की अपडेट्स आपके फ़ोन में भेजेगी, तब जाके आप इंस्टॉल करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब आपको एंड्रॉयड 10 में गूगल प्ले स्टोर से ही आपकी सिक्योरिटी अपडेट्स को इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे कोई आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा अपनी सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए, आप क्विकली अपडेट्स इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर डायरेक्टली जाके। तो अगला फीचर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो कि ज़्यादातर इमोजीज में बात करना पसंद करते हैं। तो अब आप अपनी बातों को, मतलब अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गूगल ने एंड्रॉयड 10 में जो पहले से मौजूद इमोजीज थे उसको भी ज़्यादा मॉडिफाई करके ज़्यादा अच्छा बना दिया है। और 236 से भी ज़्यादा इमोजीज उन लोगों ने ऐड किए हैं, तो जो इमोजीज में बात करते हैं उनके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक और अमेजिंग फीचर मिल जाता है फास्टर शेयर मेन्यू का। मतलब यहाँ पे जब आप शेयर करेंगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट तो सारे दिखेंगे ही, लेकिन आप जो चीज़ शेयर कर रहे हैं, मतलब वीडियो शेयर कर रहे हैं या तो वो पिक्चर शेयर कर रहे हैं, तो उनका प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। मतलब अगर वीडियो है तो यहाँ पे आपको क्लिप के ज़रिए आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा एंड्रॉयड 10 के आप क्या चीज़ शेयर कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी चीज़ें डेली बेसिस पर शेयर करते हैं। इसके अलावा भी एंड्रॉयड 10 में आपको काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स और अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन सारे फीचर्स को इस वीडियो में इंक्लूड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी और आप लोग ही मेरी वीडियो पूरी देखते नहीं। लेकिन उन सारे फीचर्स को मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जैसे कि फोल्डेबल फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 10 में काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है अब मोबाइल फ़ोन्स का जो फ्यूचर है वो फोल्डेबल फ़ोन्स की तरफ जा रहा है। यहाँ पे नोटिफिकेशन मैनेजमेंट को भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, प्राइवेसी हैंडलिंग भी आपको अच्छी मिलती है और लाइव कैप्शन और स्मार्ट रिप्लाई जैसे भी फीचर्स आपको एंड्रॉयड 10 में मिल जाते हैं। तो आपके लिए इन फीचर्स में से कौन सा सबसे ज़्यादा अमेजिंग फीचर रहा तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।